हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मॉर्निंग के बज रहे हैं 4 और हम लोग निकल रहे हैं अपनी एक फैमिली ट्रिप के लिए, जो कि हम लोग का फर्स्ट टाइम है। और सब लोग रेडी हो गए यहाँ पे, और सब लोग को नींद आ रही है बहुत तेज़, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था सोने के लिए। सो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो हम लोग रेडी हो गए हैं, और मैं पूरा व्लॉग दिखाऊंगी आपको कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, सब कुछ बताऊंगी। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और मैं रेडी होके घर से नीचे आ गई हूँ, अब वेट कर रही हूँ सबका, बिकॉज मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ। और सब लोग आ रहे हैं, और मॉर्निंग है तो अंधेरा है ही काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे मेरे बाद फर्स्ट मेरे हस्बैंड नीचे आते हुए, और यहाँ पे सब लोग रेडी होके आ गए हैं नीचे, और बस हम लोग अब निकलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। सो सारे लोग बैठ रहे हैं अब गाड़ी में, और हम लोग रेडी हो गए हैं अब निकलने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। हम लोग खूब सारा मस्ती करेंगे वहाँ जाके, है ना भाभी? अभी बताया तो नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। सरप्राइज। हम लोगों ने बहुत टाइम पहले से प्लान करा था कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, कोई रोड ट्रिप मारेंगे। बट ऐसे तो हम लोग यूजुअली एक दूसरे के यहाँ ट्रैवल करते रहते हैं बाय रोड, बट हमारा कहीं घूमने जाने का प्लान नहीं बन पाया था। तो फाइनली ये ट्रिप प्लान हुई जब हम लोग आए, और अभी हम लोग केवल 2 दिन के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बट आई होप ये 2 दिन हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30, और धूप एकदम बहुत तेज़ निकल चुकी है, और यहाँ पर गाड़ी हम लोग की पंचर हो चुकी है, तो हम लोग उसमें हवा भर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल पंप, हम लोग वॉशरूम के लिए भी रुक गए थे। सो यस, और हम लोग इस टाइम है सीतापुर में। यहाँ पे सब बारी बारी से हवा भर रहे हैं बहुत देर से। और गाइस, सुबह के बज चुके हैं 7, और जैसा कि हमारी गाड़ी की एक टायर की थोड़ी हवा कम थी, तो हम चेक करा रहे हैं कि क्या वो पंचर है या उसमें कुछ और फॉल्ट है। और कभी भी लॉन्ग ट्रिप्स होती है तो जनरली ये सब तो लगा ही रहता है, होता ही रहता है, ये तो होना ही है। और देखते हैं अभी ये क्या बताते हैं। बाकी हम लोग हाईवे पे हैं, धूप बहुत तेज हो रही है, और अभी इसके आगे हम लोग कोई अच्छा सा ढाबा देख के रुकेंगे जहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। तो मैं तो लखनऊ में ही थी, बट ये लोग कल ही लखनऊ आए, और हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, और हम लोग को बेसिकली लोअर लेना था। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि कल शॉप्स भी काफ़ी देर से खुली इलेक्शन की वजह से। तो हम लोग 6:30 बजे गए, हम लोग कौन से मॉल गए थे, फन में। हाँ, फन रिपब्लिक मॉल गए, और हमने बहुत ढूंढा, हमें टी शर्ट्स लेनी थी, लोअर लेना था, हमें कुछ जल्दी मिला नहीं। बट फाइनली हमने मैक्स से लोअर खरीदा, और हम दोनों का लोअर एकदम सेम से लैवेंडर का। हाय शानू, की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है ना शानू? क्या दिक्कत थी गाड़ी में, पंचर थी? कहाँ पे? तो हमारी गाड़ी फिक्स हो चुकी है, और अब हम लोग चलते हैं दोबारा से अपने सफर में। गाइस, हमारा पंचर बन गया था, और फिर हम वहाँ से निकले थे, और मैं रास्ते में थोड़ा सा सो गई थी, और ये रास्ते में बिल्कुल और ये लड़की रास्ते में बिल्कुल नहीं सोती है क्योंकि इसको कार में बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो हम लोग जिस पहले ढाबे पे रुके थे वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उनको टाइम लगता थोड़ा सा ओपन अप करने में। फिर हम लोग अराउंड 1.5 घंटा और आगे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने ढाबे थे सब बंद थे। और अभी बज रहा है 9:30, और हम एक ढाबे पे अब रुके हैं जो कि अभी अभी खुला है, और यहाँ पे भी अभी हमें पता नहीं है क्या मिलेगा, लग जाएगा। हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला है कि चाय और पराठे वगैरह मिल जाएंगे, तो अब हम नाश्ता करते हैं। बहुत देर फाइनली हम लोग ढाबे पे आ चुके हैं, और हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं। तो गाइस, हमारा नाश्ता आ चुका है, हमने ऑर्डर करा है प्याज के पराठे, गोभी के पराठे, फ्रेंच फ्राइज और पकौड़ी, जिसमें अभी केवल प्याज के पराठे आए हुए हैं। बड़े बेकार पराठे थे, चाय अच्छी है, पकौड़ी ठीक थी, पराठे बहुत बेकार। अभी यहाँ
हम लोग काफी थक चुके हैं, ऑल्दो हमारी गाड़ी काफी कंफर्टेबल है तो हमें इतना ट्रैवल हाँ इतना पता नहीं चल रहा है, बट स्टिल थोड़ी बहुत तो थकान हो ही जाती हो फिर हम सुबह। मजा बहुत आ रही है। हाँ मजा तो बहुत आ रही है। और बच्चे एक बच्चा नहीं देख रहा और एक बच्चा ये सो रहा है और बाकी के दोनों बच्चे जग रहे हैं जो कि हमको टाइम टू टाइम एंटरटेनमेंट दे। और बस अब हमें लगता है अब साढ़े तीन घंटे की जर्नी हमारी और बची है क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है। थोड़ा क्ल्यू देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। हाँ, गर्मी नहीं है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, काफी अच्छी हवा भी चल रही है तो हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ऑल द डिस्टेंस इतना नहीं है बट थोड़ा टाइम लगेगा। और हम लोग पहुँचने वाले हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी और यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर्स बचा है हल्द्वानी। और यहाँ आने के लिए मतलब रोड्स जो थे वो काफी अच्छे थे, हमने जो भी रूट लिया। हम बरेली होते हुए आए हैं, जब हम लोग को पहाड़ का एकदम क्लियर व्यू मिलने लगा है और हम नैनीताल में आ चुके हैं। बट मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के रोड्स बहुत ही ख़राब हैं। जब तक हम यूपी के अंदर थे तब तक हमारे रोड्स बहुत ही अच्छे थे, मतलब बिल्कुल भी गड्ढे वगैरह एक दो जगह के अलावा हमें कहीं भी ऐसा रोड नहीं मिला। बट ये नैनीताल में पूरा रोड ही ऐसा है, आप देख सकते हो हम 40 के ऊपर स्पीड से चल ही नहीं पा रहे हैं और बहुत ही गड्ढे वगैरह है रोड में। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं नैनीताल में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ों का व्यू मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग चिकन बाय कर रहे हैं बिकॉज हम लोग अपने विला में जाके थोड़ा बारबेक्यू करेंगे। सो गाइस जैसा कि हमने एयरबीएनबी बुक करा है तो हमने ऑलरेडी केयर टेकिंग का ऑप्शन कर रखा है जो हमारे लिए कुक कर देगी, बट तब भी हम अपना बारबेक्यू स्टैंड वगैरह सब साथ में लेकर आए हैं। सब कुछ लेकर आए हैं, इवन कोल एंड एवरीथिंग। तो हमें मसाले वगैरह भी हमारे पास प्याज और लहसुन भी है। बट हमें चिकन लेना था तो हम थोड़ा सा पहले हमारे अकोमोडेशन के थोड़ा सा पहले एक मार्केट है हल्द्वानी मार्केट है, हम वहाँ पे आए हैं तो हम वहाँ से चिकन मतलब किचन का सामान ले लेंगे। हाँ वो लोग चिकन ले रहे हैं और हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये सब थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए रुके हैं तो अभी हम वो लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये मार्केट कैसा है। आधा घंटा से जाम में फंसे हुए हैं। कल है 14 किलोमीटर्स और आप लोग व्यू देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर है, इतना मनमोहक है, बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ से पहाड़ों का व्यू कितना सुंदर लग रहा है आप लोग देख सकते हैं। भीमताल है 10 किलोमीटर्स और अब हम लोग जा रहे हैं अपने अकोमोडेशन की तरफ जो हमने बुक किया है। तो हमने जो अपना अकोमोडेशन है वो बुक किया है एयरबीएनबी के थ्रू और मतलब हमने काफी सर्च किया, ये हमारा रैंडम प्लान था, हमने दो दिनों के अंदर सब प्लान किया है और ये हमारा दो ढाई दिन का ट्रिप भी है क्योंकि हमें वापस भी जाना है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था और बच्चों की भी छुट्टी थी इसी टाइम पे। तो हम लोग बता ही देते कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ तो फाइनली हम बताते हैं कि हम लोग मुक्तेश्वर जा रहे हैं और हमारा जो स्टे है वो मुक्तेश्वर और नैनीताल के बीच में जो सातताल लेक पड़ता है उसी के पास है। और हमने जो अकोमोडेशन बुक किया है वो बहुत ही सुंदर है, हम लोग दिखाएंगे वहाँ जाके, हम लोग आपको वहाँ पे जाके रिकॉर्ड करके दिखाएंगे और उसके बारे में सब बताएंगे कि हमने कैसे अप्रोच किया, कैसे बुक किया एंड क्या उनके कॉस्टिंग है और क्या लोकेशन है। तो मैं आपको सब इस वीडियो में दिखाएंगे और अभी मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं, मेरे तो कान बंद हो गए हैं, तुम्हारे मेरे नहीं बंद हुए अभी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे हमेशा कान अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मेरे हमेशा हाइट पे कान बंद हो जाते हैं। पीछे करेंगे आप ये देख सकते हैं कि नीचे पूरा खाई है, ऊपर पूरे पहाड़ हैं। हाय करो,
शानू आपको मजा आ रही है? और यहाँ पे है सब्जियाँ जो कि काफी फ्रेश लग रही है, और भाभी यहाँ पे मशरूम ले रही है, और यहाँ पे सब मिल रहा है, ऑल टाइप सब्जी। तो हम लोग खोज रहे हैं मेडिकल, क्योंकि हम दोनों को जुकाम और खांसी हो रखा है। और बाकी अभी हमने लिया है मशरूम, क्योंकि हमारा बारबेक्यू का भी प्लान है, तो हमने ऑलरेडी चिकन वगैरह ले लिया, दही वगैरह चिकन हो गया, दही हो गया है, सब कुछ हो गया। हमारे पास पूरा इंतजाम है, वो सब हम दिखाएंगे। हाँ, बस हमने थोड़ा सा, और आपको चिकन यहाँ पे भी मिल जाता है, देखिए हमने बहुत पहले चिकन खरीद, चिकन मिल रहा है और ये मटन भी मिल रहा है, और ये भीमताल है, आपको वो भी चीजें मिल जाएंगी भीमताल में जो आपको यूजुअली लखनऊ और गोरखपुर जैसी बड़ी जगहों पे जल्दी नहीं मिल जाती हैं। तो पहले टॉनिक वाटर ढूंढ रहे थे, और लखनऊ में हमने कई शॉप्स पे ढूंढा बट हमें कहीं नहीं मिला, और यहाँ पे देखो तो छोटे से मार्केट में बढ़िया मस्त टॉनिक वाटर भी रखा है, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो आपको ऐसे ज़्यादा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आके सब परचेज कर सकते हो। और अगर आपका अकोमोडेशन इसके आसपास है तो, क्योंकि एरिया थोड़ा सा पहाड़ी है तो फिर आने जाने में टाइम लग जाता है, और कभी कभी ट्रैफिक भी रहता है तो उसमें भी इश्यू रहता है। मज़ा बहुत आ रही है, मन कर रहा है डांस करें, और करेंगे हम लोग डांस वो भी दिखाएंगे। हाँ। यहाँ से हमारा मिला 4 किलोमीटर्स है, ये यहाँ का व्यू है, इसके पहले का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, जैसा कि हमने फोटोज़ और वीडियोस में देखा है एयरबीएनबी पे, तो उस हिसाब से तो हमें काफ़ी एक्साइटमेंट है अपने विला पे जाने की जो हमने बुक किया है एयरबीएनबी के थ्रू। बट अभी जाके देखते हैं कि सच में वो व्यू है या स्कैम है, बट मुझे नहीं लगता कि वो स्कैम होगा, बिकॉज जिनके थ्रू हमने बुक किया है उन्होंने मुझसे बात भी करी एंड शी सीम टू बी अ नाइस लेडी। तो अभी चल के देखते हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं जाने के लिए। तो अभी मैं दिखा दी आपको व्यू उस विला से, लोकेशन डाल रखा है सतल फॉरेस्ट रिसोर्ट का, जो कि एकदम नेक्स्ट टू हमारे अकोमोडेशन है, और अभी हम वहाँ ही जा रहे हैं। हम जितना ऊपर ऐसे नहीं आए थे, अब हमें अपने रिसोर्ट के लिए उतना ही और ऊपर जाना पड़ रहा है। तो आई होप वहाँ से व्यू जो होगा वो वर्थ इट होगा, क्योंकि आप देख सकते हो एकदम नैरो सी रोड है और उस पर हम लोग जा रहे हैं अपनी सांसें रोक के, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ रही है। पूरा उस तरफ पूरा पहाड़ी है और वैली टाइप का है, इधर घर बने हुए हैं काफ़ी सारे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रही है। आज हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमारा घर नहीं आया, और हमें लग रहा है कि सबसे लास्ट जो घर है वो हमारा ही है सबसे ऊँचाई पर, और ये काफ़ी ऊपर है। आप देख लो कि हम एकदम टॉप पे हैं, वो पहाड़ दिख रहा है उसी के सिधाई पे हम लोग हैं। तो ये हमारे विला की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और अगर आपको विला का पूरा लुक देखना है तो आप हमारा सेकेंड व्लॉग देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरे विला को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है, एक एक रूम। हमने जो हमारा स्टे बुक किया था वो एयरबीएनबी के थ्रू किया था, उसमें काफ़ी ऑप्शंस थे, बट ये जो प्रॉपर्टी जहाँ पे अभी हमने आपको दिखाई है इसका व्यू बहुत ही प्रिटी था। ये थोड़ा कॉस्टली साइड पे भी था हमारे लिए, बट हम 2 दिन के लिए ही आ रहे थे तो हमने सोचा कि इट्स बेटर टू पे फॉर समथिंग एंड विच इज़ वर्थ, सो वर्थ द व्यू एक्चुअली। तो हमने उसको बुक किया, और हमारा टोटल कॉस्ट जो 2 दिन का पड़ा था वो था 26,000 + 27,000, फिर हमने केयर टेकिंग का ऑप्शन चूज़ किया था उसके साथ, जो कि 500 पर डे है, तो 1,000 हम उसका पे करेंगे, एंड उससे भी काफ़ी हमें आराम हो गया क्योंकि वो खाना वगैरह चाय वगैरह और घर का साफ़ सफाई सब खुद कर रहे थे। अदरवाइज़ अगर आप रेंट करते हो और केयर टेकिंग का ऑप्शन नहीं होता है तो वो सब आपको खुद करना पड़ता है, तो हमने इसलिए वो ऑप्शन भी चूज़ कर लिया था। तो ये हमें अराउंड 27,500 का पड़ा, और हम 8 लोग हैं, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर इस लोकेशन पे हम किसी होटल को भी बुक करते तो हमारा यही प्राइस आता, अगर हम 3 रूम्स बुक कर रहे होते तो।
तो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा हमारा डिसीजन था। और आपने खुद ही देखा कि वो विला कितना प्रिटी है, 3 bedrooms हैं, 3.5 वॉशरूम बाथरूम्स उसमें हैं और किचन है। नहीं, इस वीडियो में आपको विला नहीं दिखाया है, तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरा घर देखना है कि कैसा है, क्या क्या है उसमें, तो आप हमारा नेक्स्ट वीलॉग देखें, उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है कि कितने बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं और कैसा उसका टेरेस है, कैसे स्विंग्स लगे हैं, तो आपको वो सब देखने को मिलेगा उसमें, और हमने बहुत डिटेल में वो वीडियो बनाया है। तो ये था विला के बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी, और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है इस ट्रिप में, ऑल्दो ये 2 दिन की है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और हम और भी ऐसे वीडियोज़, ट्रैवल वीडियोज़ डालते रहेंगे।